VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। सोपोर में उस्मानिया फाउंडेशन पब्लिक स्कूल सोपोर ने अपना वार्षिक दिवस एक जीवंत कार्यक्रम के साथ मनाया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों के ने भाग लिया। तो वहीं जिससे सांस्कृतिक गौरव और उत्साह का माहौल बना, जोनल शिक्षा अधिकारी सोपोर अब्दुल सलीम ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ स्कूल और उसके छात्रों के समर्थन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में एक जीवंत उपस्थिति दर्ज की गई। जी हो चाहे वो किसी और सोशल एक्टिविटीज हो, जब वो बच्चे आज लीडर बन जाएंगे, कल को वो लीडरशिप चला सकते हैं। आज लीडर्स की जरूरत हमें वो नहीं है कि जो रिटायरमेंट ले लेता है फिर हमारा लीडर बन जाता है, वो उससे हम क्या तवक्कुल कर सकते हैं कि वो क्या काम करेगा। आज के बच्चे अगर नौजवान लीडर बन सकते हैं, वो तभी बन सकते हैं जब मैं उनके बोलने का हुनर हो, बोलने का जज्बा हो। अगर उनमें वो बोलने का हुनर नहीं है, बोलने का जज्बा नहीं है, तो वो फिर आम लोगों की तरह है, गए गुजरे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम आपसे माजरत भी चाहते हैं कि अभी जो हमारे जाड़ियों साहब हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, अभी आए नहीं है, उनकी कुछ मुसीबत की वजह से वो वहाँ पे फंसे हैं, वो भी कुछ लम्हात में यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर हम बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो भी शुरू करेंगे। लेकिन वालदेन से गुजारिश है कि इस एनुअल डे के मौके पर सिर्फ प्रोग्राम्स पे नज़र न रखें, आने वाले एग्जाम्स भी हैं, जिसमें टर्म सेकेंड जो समेटिव असेसमेंट एग्जाम हो रहा है, उस पर भी बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो आज का दिन है, कल छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ सपोर्ट मोहतरम बचाए और इस प्रोग्राम की अजमत बढ़ा दी।